इंदौर वंडर जबलपुर के बीच में ये सेमीफाइनल और इसके बाद है फाइनल। इंदौर वंडर जबलपुर के बीच में ये सेमीफाइनल और इसके बाद है फाइनल। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमें बिल्कुल एक समांतर टीमें हैं, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला प्रतीक चौधरी इस समय देख रहा है। रेड की कमान, विक्रम स्पोर्ट की जान, प्रतीक देख रहा है। प्रतीक जो की बहुत ही शानदार रेडर देख रहा है कि प्रतीक यहाँ पर सेल्फ आउट हो गए हैं, अपने आप को संभाल नहीं सके, अपने बैलेंस को नहीं संभाल सके। लेकिन अंकित सैन, बात करें हम अंकित सैन की, जहां पर जब सेमीफाइनल जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जब आरसीसी भोपाल का स्कोर 4 था और जबलपुर का स्कोर 0 था, वहां पर अंकित आई थी और जो अंकित ने रेड की और जो 2 अंकों पर जो अपनी जंप ली, वाह क्या कहने उससे मुकाबले के। लीजिए इस समय फिर एक बार ऋतिक छात्रे यहां पर रेड पर, ओ हो, आज देखना है कि स्टार एकेडमी के ये योद्धा लोकल टूर्नामेंट में सूखा खेरी, आपकी टीम अभी तक नहीं पहुंची है, सूखा खेरी कोर्ट नंबर 2 पर पहुंचे, सुपर कैरी क्षेत्रीय टूर्नामेंट। देखना होगा उदय पत्ते स्टार टीम के स्टार खिलाड़ी और स्टार रेडर, आप स्किल देखिए इस खिलाड़ी की, आप जो स्किल है कबड्डी का खेलने का, जो तरीका है, जो रेडर का इसका रंग ढंग है वो देखिए, देखिए आप लाल देखना होगा उदय पत्ते जहां पर मोहम्मद कैप, क्या शानदार तरीके से मोहम्मद सैफ आए और एंकल थाई होल्ड पर लेकर रोका वहां पर स्रेडर के लिए, क्या बेहतरीन तरीके से टैकल पॉइंट मिला है विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर के लिए। जबलपुर 2 इंदौर 1, 2-1 पर चलता हुआ इस समय सेमीफाइनल मुकाबला, एक बड़ी जद्दोजहद, एक बड़ा मुकाबला, 2 शेरों के बीच ये महामुकाबला। फिलहाल देखना होगा इंदौर की रेड विक्रम स्पोर्ट्स के 05 के रेडर तो टच करने का रविंद्र के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रयास, वापस गए जैसे ही सुना के 5 सेकंड्स, वैसे ही वापस अपने कोर्ट की तरफ। स्कोर अभी भी 2-1, सेकंड 7-5, आज यहां पर जीतेगी वो सीधा फाइनल में। इस बार बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ ही मेन विनर उदय पत्ते अंकित से इस समय आउट ऑफ द कोर्ट, स्कोर 2-2 के बराबर। ऋतिक ठाकरे राजू भाई के लिए, हाँ व्हाइट मिला इसी बीच, देखना है कि एंड लाइन को बिल्कुल क्रॉस कर चुके थे हिमांशु चौधरी, जहां पर देखा रेफरी की निगाह ने और एक और पॉइंट मिला वहीं पर ऋतिक ठाकरे के लिए, एक और सफलता 3-2 का इसको। हर्ष इस समय देख रहा है रेडर हर्ष, एकदम राइट कॉर्नर बॉक लाइन के ऊपर ज्यादा जोखिम अंदर जाने का नहीं उठा रहे, एम्प्टी रेड करके वापस आए। और ऋतिक ठाकरे, ऋतिक आपको वही इतिहास दोहराना होगा जब आप गोटेगांव श्रीधाम में यूपी योद्धा से खेल रहे थे और आपका वो तारीफ के काबिल प्रदर्शन। एक बार देखना है थाई के साथ बैक होल्ड पर रोका है ऋतिक ठाकरे के लिए, स्कोर 3-3 के बराबर। और गुरुदेव क्या कर रहे हो, कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो आचार्य जी, गुरुदेव। अरे भैया जी, अरे मत बोलो, आ रही है टीम, आ रही है सुबह की टीम, आ रही है सुबह की टीम, शीघ्र आ जाए सुबह की टीम,
दो मिनट के अंदर ग्राउंड पर जाए। सूखा खैरी बी सिद्ध बाबा क्लब सूखा खैरी बी जल्दी से जल्दी दो मिनट के अंदर ग्राउंड पर आ जाए। प्रतीक इस समय देखना है प्रतीक आए हैं राव देखना होगा कि दो की चेन है राइट कॉर्नर पर भी चेन लेफ्ट कॉर्नर पर भी चेन एक तरफ अगर देखा जाए लेफ्ट कॉर्नर पर संदीप राइट कॉर्नर पर इस समय चेन पर बने हुए रविंदर और प्रकाश एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर रेड पर डिफेंस पर कॉर्नर और इन पर तारीफ काबिल यहां पर और जो कवर है जबलपुर के पास तारीफ काबिल लेकिन देखिए आंख से आंख मिलाकर इस समय जवाब देते हुए उदय पत्ते स्टार अकेडमी के स्टार रनर अगर आपने उदय पत्ते पर अपना काबू पा लिया तो आपने आधा मुकाबला अपने नाम कर लिया क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है उदय पत्ते की रेड पर इन्हें रेड मशीन भी कहा जाता है जब जब स्टार अकेडमी पर संकट आता है उदय पत्ते उभर कर सामने आता है वापस गए वहां पर उदय पत्ते एंटी रेड की और फिर एक बार प्रतीक और ये बावन भी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता जिसका दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहां पर चल रहा है निश्चित रूप से जिसमें हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है हमारे वरिष्ठ आदरणीय लेखकों की बढ़िया हमारी एक वरिष्ठ समिति नवयुग मंडल नवता सेवा समिति हमारे आदरणीय भाई विक्रम सर जी आदरणीय बबलू मरैया जी हमारे भाई रियाज भाईजान हमारे संदीप जी पटेल शैलेंद्र जी पटेल हमारे भाई भूपेंद्र जी कौरव आदरणीय रामदास जी भी बैठे हैं शायद और आनंद भाई आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर दो पर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है भैया एमआरडी टीम वाले हमारे पास कौन आ रही है क्या आप लाइव चलाइए भैया एमआरडी किंग भाई साहब यहाँ सामने देखिए लाइव चलाइए आप क्योंकि दर्शक बाहर शहरों से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि उनसे बोलिए कि वो लाइव चलाए तो वो भी देख सकते हैं
एक विशेष सूचना है, कृपया ध्यान से सुने। अभी ताम्रकार वेदांश ताम्रकार छोटे छोटे बच्चे हैं जो दोपहर 2 बजे से घर से निकले मैच देखने, यही चीखली के हैं। उनके पिता आशीष ताम्रकार जी यहाँ पर उनको ढूंढ रहे हैं। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच के पास जो ऑफिसर टेबल पे है तुम्हारे पापा वहीं खड़े हैं, तुम दोनों यहीं आ जाओ। अभी ताम्रकार वेदांश ताम्रकार, चलो भैया अभी और वेदांश जल्दी पहुंच जाओ। और भाई राजू भूके आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी निरंतर कबड्डी के प्रति आपका जो समर्पित मैं देख रहा हूँ कि जो लगाव है आपका और जिस शिद्दत के साथ में राजू भूके और उनकी पूरी टीम जो ग्राउंड पर लगी रहती है, राजू भूके भैया का भी बहुत बहुत